अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेजी व्लॉग्स। हम लोग जा रहे हैं लेन के जंगल में घूमने। हम लोग जानी मिल रही कि अभी हम कहाँ पर जाएं। वैसे बेसिकली हमको जाना था लेन के जू में, तो उसके रास्ता हम लोग ज़रा भूल गए। ये वाला है, हाँ ये रे पार्किंग पीछे, ये बता रहा है। ये भाई हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच के हम आपको अलैन के शेर दिखाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। अलैन का ये ज़ू है, अभी चलते हैं अंदर का आपको व्यू या विज़िट वगैरह करवाते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। देखिए यहाँ के फ्रंट बोर्ड पे इन्होंने क्या क्या यहाँ पर ममनू किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये विज़िट वाइल्ड अफ्रीका इन दी अलैन सफारी। अच्छा भाई, मेक श्योर यू लीव दीज बिहाइंड। अच्छा भाई, आप साइकिल नहीं चला सकते, कुत्ते को नहीं लेके आ सकते, आग नहीं जला सकते, स्केटिंग नहीं कर सकते, सही चीज़ें हैं। चलें अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं टिकट सेक्शन है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर अंदर जानवर वगैरह देखते हैं। यहाँ के ज़ू इन लोगों ने इसी जगह पर बनाया हुआ है कि आगे पीछे सारा रेगिस्तान है, ठीक है, और बीच में इन्होंने ज़ू बनाया हुआ है। और रात में हम लोग जिस पहाड़ी पर गए थे उस पहाड़ी का नाम था जबलिया थीम। वो देखें, वो आपको पीछे ये पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे, उसी पीछे वाला पहाड़ भाई वो वाली जगह थी जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे। अभी मुकर्रब भाई और ये लोग टिकट वगैरह लेने के लिए, भाई यहाँ पर भी टिकट है क्योंकि इन लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत एक्स्ट्रा बनाया है इन लोगों ने, बहुत एक्स्ट्रा। अच्छा चलो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके अंदर का व्यू वगैरह देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से जानवर इन्होंने अपने ज़ू में रखे हैं। भाई टिकट ली है, अभी एंट्री हैं हम लोग अलैन ज़ू में, वो लोग मुझसे पहले वहाँ। चलो मैं भी चलूँ यार अंदर, एंट्री करवाएं फिर अंदर की वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अच्छी बात एक और ये लगी कि इन्होंने अभी बताया मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने कि इसका जो ज़ू है वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया, तो आप कहीं गुम ना हो जाए तो आप ये मैप ले लें हमसे और मैप के ज़रिए आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ये इसके अंदर इसके रूट्स वगैरह बताए हुए हैं। ये वैसे ये बेसिक और अच्छा आइडिया है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर गुम हो जाए तो उसके लिए बेटर और बेस्ट है, क्या वो इस मैप के ज़रिए वापस पहुँच सकता है। ये है क्या वैसे, हिरन? नहीं, ये बेले ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं उन वाले से, अल सऊदी वालों से, है ना। इस मैप के जरिए पूरी जंगल वाली फीलिंग नहीं आती कि बंदा हम जंगल में जाते हैं मैप लेके के ढूंढो। अभी टारगेट एंट्रेंस कितनी है, एंट्रेंस के लिए थे, टारगेट मिलेगा, एंट्रेंस खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यू आर हियर 21 21। तीनों स्पेशलिस्ट मैप पे, हम लोग शेर ढूंढ रहे हैं कि शेर कहां पर है। ये शेर, तो अभी हम लोग किस जगह पे हैं, कहां से आगे जाना है। ये हमको हमारा पहले स्पॉट तो मिल गया है, चीता। यहाँ ये वो जगह है, ये चीते अंदर घूम रहे हैं। कहां गए बेटा, सामने आओ यार, क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों परेशान हो रहे हो भाई। ये रे चीते, ठीक है भैया, ये वही चीते हैं जिनके आगे रस्सी रस्सी बांध के ना इन लोगों को यहाँ पर खींचा जाता है, और जो मतलब जीत गया तो उसके लिए नेक्स्ट।
चीते के बाद अब हम आपको दिखाएंगे ज़राफ़ा। हमारा सेकंड जो ऑपरेशन था वो तो ज़राफ़ा का, तो ज़राफ़ा हमको पहले ही मिल गया है, हमको जाना कहीं और था लेकिन हम पहले ज़राफ़ा के पास पहुँचा है। इसकी लंबी होती है ये भाई, बस ये तीन ही है या और भी हैं आगे पीछे कहीं? होने ना जंगला है। ज़राफ़ा के बाद अभी हम आए, कौन सा बांदर है सर जी? नहीं ये देखो भाई, ये वाटर मंकी भाई, ये वाटर मंकी है, ये देखें इसको, देखें कोई फर्क नजर आ रहा है बताएं? बरगट मंकी है। कहीं जा रहा है? हाँ तो चलेगा और कैसे करेगा पे? भाई वो अंदर भी बैठे हुए हैं, कुछ पानी के अंदर घुसे हुए कुछ का, ये गुज्जर की वजह से नाराज़ हो गया हमसे चला गया। भैया हम आपको एक और चीज़ दिखाएं, अंडर वाटर पांडा। हाँ दो ही पीछे की तरफ हुए ना, क्या कहते हैं कांच लगा, क्या बोलते हैं, दो ही ने ये कर क्या रहा है? हरकतें देख गुज्जे। गुज्जर नहीं, अच्छी बात नहीं है, पिक्चर लीक हो जाएगी। वो रहा ऊपर से भी नजर आ रहा है। हाँ ऊपर से, लेकिन ये नीचे से साफ नजर आ रहा है मगर बच्चे। भाई ये देखे मगरमच्छ, ये तो एक एक से कुछ भी नहीं होगा तो मर जाएंगे। ये देखें गुज्जर की हरकतें देखें, गुज्जर को यहाँ से नहीं दिख रहा तो गुज्जर बाहर चला गया उसको देखने के लिए। नहीं नहीं सो रहा है ये, इसको आवाज़ नहीं जाती क्या? ये एनाकोंडा, ये कौन सा वाला सांप है? एनाकोंडा लिखा हुआ नहीं ना, गुज्जर नीचे देख यार। ये देख रहा है गुज्जर दी तरफ, कौन सा भाई? यहाँ पर भी हम आपको क्रोकोडाइल दिखाते हैं, ये क्रोकोडाइल का हिस्सा है। अभी तो फिलहाल मुझे एक ही दिखा है, बाकी नहीं दिखे, लगता अंदर चला गया पानी में। ये आपको जूम करके दिखाऊं, ये रहा इस वक्त सो रहा है भाई ये तो। अच्छा जी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ रहा है, ये रहे। चले सोने दे आजा। तो भाई अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमें अभी क्या चीज़ मिलती है, हम अब वो देखेंगे। एलिफेंट, लो हमने हमारे निकलते ही सामने आपको एलिफेंट दिखेंगे। चले हम आपको फिर अब एलिफेंट वगैरह भी दिखा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेजी व्लॉग्स जी। तो आज हम अलेन सफारी में आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग से, तो कल रात हम लोग फर्स्ट पहले गए थे जबल हफीज़ पर, ठीक है। वो यहाँ का अलेन का सबसे बड़ा पहाड़ है जहाँ से आप पूरे अलेन का नज़ारा देख सकते हैं, ठीक है। रात में ठंड बहुत थी, मैं आपको उसकी वीडियो आगे शेयर करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद फिर हम आए हैं यहाँ पर अलेन के सफारी पार्क में। चलें अब अलेन के सफारी पार्क का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आया है शितर मुर्ग या मोरे, कन्फर्म नहीं हो पा रहा। ते मोर कैंजी दा होंदा है, ये शितर मुर्गे है वे, बच्चे हैं उसके, ये तो ये मारेगा तो नहीं। सबसे बड़ी परिंदा हम दी यहाँ ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर रैबिट वगैरह इन लोगों ने रखे फीड करवा रहे हैं, पैरोट पैरट काम करे, पिंजरा तो खाली है। ये भी मुर्गा है कोई अलग नस्ल का, ये है ब्लैक डक। इसके अंडे भी काले होते हैं, वाइट होते हैं, जाहिर तो दे अंडे
जाहिद ऐसे लग रहा बहुत पुराने जमाने के बड़े बड़े पेड़ ना हो वो सालों साल पुराने वैसे लग रहे हैं। चलो आगे चले आ जाओ हल्की हल्की चलती चलती यार पूरा पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं तो। उत्थे मिलिया कुछ भाई इतने बदगा वेखण थोड़ी आए। अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं बगले फ्लेमिंगो चलें जी अब जाते हैं नेक्स्ट। यार ये चिल्ड्रन डिस्कवरी है यहाँ पर नहीं होगा इसके अंदर शेर बाहर होगा दूसरी तरफ चिल्ड्रन डिस्कवरी वर्ल्ड यूएई वर्ल्ड। भाई थकना तो है रात भर हम लोग कहाँ कहाँ घूमते रहे भाई चल चल के काफ़ी थक गए हम लोग। सारे बैठ गए ये कौन से बकरे हैं मेरे को पता नहीं है ना तेरे को बताने में क्या जा रहा है। ये अरबी बकरे हैं इनको अरबी लैंग्वेज आती है वो सामने आ रहा है देखो ना ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा किसकी किसकी फैमिली बड़ी होगी उन्हां दी यार मुझे लगे शायद अपने बारे में बता रहे हैं जी। तो आपको बताएं कि अभी एक न्यू बिल्डिंग मैंने देखी यहाँ पर अलग यूनिक ही डिज़ाइन ये ट्रेन है ये देखिए ये ट्रेन जो है बच्चों के लिए बनाई गई है ज़्यादातर तो बच्चों को यहाँ पर लेके पूरे सफारी का डिज़र्ट वो टूर करवाते हैं। चलो हम भी पूछते हैं हम भी देखते हैं कि हमें भी लेके जाते हैं कि नहीं। नहीं भाई हमारे लिए नहीं है वो बस बच्चों के लिए है उसने कहा नहीं ये सिर्फ बच्चों के लिए। चलें तो अभी हम निकलते हैं थोड़ा आगे अभी यहाँ पर ये लाइन का बोर्ड लगा हो कि आगे हमें लाइन मिलता है कि नहीं। चलें जी एक और नेक्स्ट चीज़ ये खुशी के पांडे वो पानी का तो जो पानी में रहता है तकरीबन ठीक ही खुशी का है इसके पीछे ज़राफ़ा भी है। भाई ये सफारी बहुत बड़ा है मैं तो चल चल के थक गया हूँ। अभी हम लोगों ने फिर डिसाइड किया था हम सब ने कि ज़हीर कहीं और ढूंढेगा जाहिद कहीं और ढूंढेगा मैं कहीं और ढूंढूंगा ठीक है शेर को तो जो मेन शेर है ना हमको वो नहीं मिल पा रहा हम सब अलग अलग ढूंढ के एक दूसरे को इन्फॉर्म करें कॉल करके भाई मिला नहीं मिला मिला नहीं मिला अभी तक तो भाई किसी को नहीं मिला वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना अभी उसको देखते हैं कहाँ पर है वो इसकी हरकतें चेक करें। जहीर को गोरिल्ला मिल गया है ठीक है अभी मैं भी जा रहा हूँ उसी तरफ गोरिल्ला देखने के लिए लाइन तो मिला नहीं है भाई सीधी साफ बात है अभी तक तो मुझे नहीं दिखा ठीक है दिखेगा तो मैं बताऊँगा। बाकी ये भेड़िया का चिन्ह है यहाँ पर भेड़िया वो रस हो रहा है दिख गया भाई दिख गया दिख गया ये शायद गर्मी है गर्मी की वजह से तो जानवर अभी इस वक्त बाहर नहीं अभी कुछ पता नहीं है। तो जहीर ने कहा है कि आप थोड़ा आगे आ जाओ मैं आगे ही हूँ तो मैं आपको आगे गोरिल्ला वगैरह दिखाता हूँ। मैं वो अब जहीर को देख रहा हूँ जहीर है किस तरफ भाई जहीर भाई मिल गए मेरा वेट कर रहे थे ठीक है। जहीर भाई हमको कुछ दिखाना चाह रहे हैं बंदर कहाँ है गोरिल्ला कहाँ है अबे तू है मेरा वो छोटा है कहाँ बैठा हुआ है। चले भाई मगरमच्छ देखने के लिए जा रहे हैं स्पेशल गुज्जर बुलाया था गोरिल्ला और मगरमच्छ देखने के लिए क्यों भाई गुज्जर फेमस होना है। हाँ।
टूरिस्ट भी बहुत आए हैं यार। कहाँ है इधर? यहाँ पर भी परिंदे हैं यार सारे। ये अच्छे उन्होंने कवर किया हुआ कि मोर मोर ना, इसको क्या बोलते हैं? हंस बोलते हैं। हंस, इसकी टांगे वाइट है यार। हंसों का जोड़ा। लो भाई ये भी सो रहा है। सारे सो रहे हैं तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? हमें इंटो खड़े हो जाओ भाई। बस भाई अब जा रहे हैं नेक्स्ट। भाई हमको शेर की अलावा जो जगह थी वो मिल गई है बहुत ढूंढने के बाद। ये देखें भाई, ये नवाब साहब सो रहे हैं। नवाबजादी सो रहे हैं। इनके चक्कर में इतनी ख्वारी हुई कि बस हमने तकरीबन पूरा सफारी घूम लिया इनके चक्कर में। और ये है कि देख ही नहीं रहे हमारी तरफ। चलो भाई खैर होता रहता है ऐसा। बस सफारी आने का जो भाई असल मज़ा था वो अब पूरा हुआ है। पता चला कि हम लोग सफारी आए। ले भाई एक और नस्ल का वो सो रहा है। ये मेरे ख्याल से नशा पी के सोते हैं। हाँ जायद, इनको भांग वांग तो नहीं पिलाते? तू मीठी लस्सी की बात कर रहा है। मैं तो एकदम भांग वांग पिलाते इनको भाई। जितने भी दिख रहे हैं इस वक्त शेर टाइगर जितने भी हैं, सिर्फ उनमें स्टार्ट में था एक वो एक्टिव था, बाकी जितने भी हैं वो सब ऐसे मरे हुए सो रहे हैं। ऐसे लग रहा है किसी ने नशा पिला दिया इनको। क्या एक और मिल गया? लो भाई एक और, वो देखो ये भी सो रहा है। इसको देखो, ये सनो करो कॉल, सनो का शेर दे ना। हाँ यार सोने दे चल इनको, चलते हैं। चलें जी अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन। ये पूरा का पूरा एरिया इन लोगों ने शेरों का रखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग नस्ल के हैं, वाइट टाइगर है, ठीक है, नॉर्मल है, और पता नहीं कौन कौन से हैं, मेरे खुद को नहीं पता। बस ये हम देखे जा रहे हैं कि पीछे जो हम उनको देख रहे हैं। जी भाई इधर कौन सा लाइन देख लिया आपने? ये इधर भाई अफ्रीकन लाइन है, वो पहाड़ों के पीछे जो अफ्रीकन लाइन है। लाइन कौन सी वाली? लकीर वाली लाइन? नहीं लाइन कौन सा? उसको जो बोलते हैं उर्दू में शेर। अच्छा उर्दू में जिसको शेर बोलते हैं। कहाँ पर है नजर आ रहा? पहाड़ों के पीछे शिकार करने के। पहाड़ों के पीछे शिकार करने गया। ये भी कोई ढीठ नस्ल का सोरा होगा आगे पीछे। वैसे जायद हद है यार, कोई एकद भी नहीं है ऐसा कि जो उठा हो एकटे के सारे सो रहे हैं। वो शुरू वाला जो था ना वो अच्छा था, जो टाइगर देखे थे। नहीं नहीं वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने टाइगर देखे थे वो वाले। हाँ चीता। हाँ चीते चीते बोरा 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 बोरा। ले भाई जो हालत दुबली हुई हुई है ये बस खत्म होने वाले। ये भी हमारी तरह से लग रहा है, सुबह से चल चल के थक गए और लेट गए इस वक्त। ये कौन से क्या है ये? मुझे ये भाई चिंपांजी है। चिंपांजी के ये इसकी हरकतें देखी, ये ऐसा लग रहा है ये गुज्जर तो से नाराज हो गया यार। ये ओ जो सामने बैठा उसको देख, वो हाथ पे हाथ बांध के जो बैठा हुआ है, ये देख देखो उसको खुजली हो रही है। जा गुज्जर खुजा दे। चल आजा चले नेक्स्ट पे चले आजा। यार ये पहाड़ों में से गुजरते हुए अभी किस तरफ जा रहे हैं? यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? तो गलत फहमी में थे यार, असल बंदे तो यहाँ पर मौजूद हैं यार। ये देखें ये जहीर, इसको हाय बोल, जवाब देगा?
ये है भाई गोरिल्ला बड़े वाले गुस्सा भाई। गोरिल्ला के बाद पेशे नजर हाजिर है कौन सा यहाँ पर, ये वही वाले हैं यार देखे थे हमने, अबे वही है यार हमने वो नीचे से देखे थे, अभी ऊपर आ गए खाली सारा वही है, नीचे से हम लोग घूमते आए यार, अभी नीचे से देखा इन सबको, ये सारे के सारे शेर ही हैं। को देखे हम बहुत थक गए हैं चल चल के, ठीक है भूख लगी है, अभी जा रहे हैं हम कैफेटेरिया में खाना खाएंगे और फिर हम अपने सफ़र को रवाना हो जाएंगे। इसके बाद हमको जाना है अपने होटल, वहाँ रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ रात को एक इवेंट है वेडिंग का, उसको अटेंड करके फिर हम अपने कम्युनिटी या दुबई चले जाएंगे, यूँ समझ लें बस। ये देखें बाज, अभी अपने ये पर खुलेगा फिर आप इसको देखना, बहुत 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 ख़तरनाक भाई, डेंजरस। जब तक इसके लिए आप अपनी सेफ्टी नहीं लेंगे तो ये आपको बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं।